मतलब उस अग्निपथ योजना का नाम सुना है? हाँ, बट लेकिन वो ख़राब है। 4 साल की आर्मी कर दी, उसका रह क्या गया? जो बंदा मेहनत करेगा, मेरे गांव के कम से कम 100 लड़के थे और उनमें से अब 30 ही हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 70 पीछे हट गए हैं। अग्निपथ योजना ही थी, इसमें क्या हुआ, अभी इसराइल की लड़ाई हुई थी तो इसराइल से ये लिया गया है सिस्टम भारत में। अभी जब इसराइल की लड़ाई से पहले वहाँ पर कुछ सैनिक थे, लेकिन अब पूरा देश ही लड़ाई में लग गया, तो ये आगे चल के अगर चीन हम पे हमला कर देता है तो इसके तहत मतलब जितने भी युवा हैं वो सारे सैनिक बनेंगे, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। ये क्या फ्यूचर प्लान आपको मतलब कोई बताया है कि आगे चल के अगर चीन हमला करेगा तो हम अग्निपथ बता? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, कौन बना अच्छा, जरूरी होगा क्यों नहीं होगा। जापान जैसे जो परिवारवादी है ना, वो राष्ट्रवादी कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? जापान जैसे से मतलब है, जापाते ना हो तो बातों को दूसरे तरीके से पेश कर दो, ठीक है? आपने रोजगार खत्म कर दिया, कोई मुद्दा नहीं, आप उसको लंबाई की वजह से छाट दिया पैकेज को बोलो उसके नहीं, आप उसके आर्मी का, अगर आपको आर्मी के लोगों को ज्वाइन कराना था तो ज्यादा उनकी नौकरी निकालो, बल्टियां निकालो, बल्टी में ज्वाइन कराओ। जब तक उसको दर्जा नहीं मिल जाएगा ना, तब तक ये ऐसे ही रोते गाते रहेंगे। बात क्या है ना, एक शहीद को दर्जा देने की जरूरत नहीं है, वो भारत माता के लिए शहीद हो चुका है, अपने अंदर वो भावना जनरेट कर क्या है। लेकिन आप उसको सम्मान तो देंगे, राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, यही तो बात है, राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा ना, वही तो बात है, वही तो बोल ही रहे हम। यही अगर आप सत्यवती कॉलेज से पढ़े हैं, पर आप तो पढ़े हैं, डिग्री ना दी जाए आपको तो चलेगा आपको? आज जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर मेरे को रामायण में जो मिला, राम जी नहीं थे, लक्ष्मण जी नहीं थे, रावण नहीं था, पता कौन था मेरा? मेरा भरत। 14 साल तक राजगद्दी पे नहीं बैठे। वैल्यूज, वैल्यूज, ये है रामायण, ये है महाभारत की वैल्यूज के बारे में। रामायण के अंदर बताया जा रहा है कि आपको क्या अच्छा करना है, महाभारत के अंदर बताया कि आपको नहीं करना है। आज गांधी के बारे में, आज मेरे को गांधी की रिलीजियस पर्सपेक्टिव के बारे में पता चला। हमें लगता था कि गांधी जो है बड़ा सेक्युलर इंसान, लेकिन ये सब नॉट ए सेक्युलर पर्सन। अभी अहमद को गोली लग जाती है, अधिक अहमद को गोली लगे, कांग्रेस ने सीना पीट लिया वहाँ पे, अहमद को गोली लग रहे हैं, कांग्रेस ने सीना पीट लिया। एक पंडित को कुछ होता है? कितने डोजर बाबा क्या कर रहे हैं, कितने अभी तो पंडित है कि मोदी जी कांग्रेस वहाँ पर मैच देखने गए तो उनका वो ऐसा, मोदी जी मैच देखने गए हार गए, लेकिन वो खुद नहीं जान रहे कि 2 साल से तो कांग्रेस का फेस भी तो राहुल गांधी जी है, तो वो भी तो पनौती हुए कांग्रेस के लिए। इसे वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं सर, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज इसकी गोद में कल उसकी गोद में। सर अराजकता जो है ना सर, पूरी तरह बिहार में है सर। एजुकेशन रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो है, पूरे देश में जो सिविल वॉर चल रही है स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं वो रहेगा। पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में जलवा कुछ खास नहीं होगा, जब तक शादी की सेनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। वा, 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 वा। एक चीज बताइए, आपने आप में से सबने अग्निपथ योजना के बात नाम सुना? मेरे पास मतलब भाई नहीं सुना। अच्छा, वो अग्निवीर, हाँ अग्निपथ, उस अग्निवीर नाम दिया गया है, मतलब उस अग्निपथ योजना का नाम सुना है? हाँ, बट लेकिन वो ख़राब है। 4 साल की आर्मी कर दी, उसका रह क्या गया? जो बंदा मेहनत करेगा, मेरे गांव के कम से कम 100 लड़के थे और उनमें से अब 30 ही हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 70 पीछे हट गए हैं। हट गए इस सभ्यता को आते ही पीछे हट गए। वो क्या कह रहे हैं जो ऐसा हट गए? वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, 4 साल, इतने साल मेहनत करके और 4 साल के लिए हम जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, उसमें जान चली गई तो उसके बाद पेंशन का भी कुछ फिक्स नहीं। इसमें मैं तो कुछ बोलना चाहूँगा, जो ये अग्निवीर योजना आई थी, इसमें क्या हुआ, अभी इसराइल की लड़ाई हुई थी तो इसराइल से ये लिया गया है सिस्टम भारत में। अभी जब इसराइल की लड़ाई से पहले वहाँ पर कुछ सैनिक थे, लेकिन अब पूरा देश ही लड़ाई में लग गया, तो ये आगे चल के अगर चीन हम पे हमला कर देता है तो इसके तहत मतलब जितने भी युवा हैं वो सारे सैनिक बनेंगे, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। ये क्या फ्यूचर प्लान आपको मतलब कोई बताया है कि आगे चल के अगर चीन हमला करेगा तो हम अग्निपथ बता? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, कौन बना अच्छा, जरूरी होगा क्यों होगा। एक बात बताइए, अभी आप अग्निवीर सुनिए, पहले आपके पास भी हम आएंगे, एक एक चीज करके, एक बिना सुने नहीं जाना। तो ये तो पक्का की लड़ाई, तो बाद में शायद पाकिस्तान भी हम पे हमला कर सकता है, चीन भी कर सकता है। क्यों कर सकता है पाकिस्तान? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कहते हैं हमसे थरथर कांपते हैं चीन और पाकिस्तान, पीओके लाएंगे। मोदी है तभी तो कांपते हैं, राहुल गांधी तो थोड़ी ना कांपते। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ऐसे कैसा अनुमान लग रहा है कि चाइना या पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा? जैसे कि अभी चाइना है भारत को चारों तरफ से घेरते जा रहा है, उसने श्रीलंका पे थोड़ा कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के पीओके के पास कब्जा करते जा रहा है, म्यांमार के पास, तो ये ऐसे होगा, संभावना बनते जा रही है। कब्जा कर लिया श्रीलंका पे, पैसे कर्जे दे के, आप ही कह रहे हैं हमला हो सकता है, और आप आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, जमीनी बताओ, जमीन
एक आदमी को सुन लीजिए, उसका हम आपसे पक्का पूरी चीज सुनेंगे, पूरे सुनेंगे। एक इंसान के मरने पर वर्ल्ड वॉर हो गई, आप ही कह रहे की आपको कैसे हुआ घिरते जाने से। नहीं भाई साहब, बात एक से नेक्स्ट में जाओ, बात भाई साहब बात करो एजुकेशन के ऊपर। हाँ तो ये सुनिए, मेन मुद्दा जो रहना चाहिए, लेकिन अग्निवीर मुद्दा होना चाहिए यहाँ पर। तो अग्निवीर को जानते हैं, अग्निवीर में क्या डिमेरिट्स है या क्या है जो युवा बैक होना चाहते हैं, बोलते हैं कि यार स्कीम सही नहीं है। बस ये एक छात्र के नाते आप ये बताइए कि क्या सही है। मैं भवाना से आता हूँ, तो वहाँ पर काफी लोग इसकी तैयारी करते हैं, काफी अच्छी योजना। किसी ने बोली गलती योजना, आप जिसको पता नहीं है, अनभक्तों के लाइन में लोगों को ऐसे होगा पता नहीं है, वो बंदा बोल रहा है कि ये गलत है। एक बड़ी बात होती है, हमने पढ़ा होगा बचपन में, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। क्या बेनिफिट बताइए आप? बेनिफिट्स देखो, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, एक दो तीन बेनिफिट। देखो आज से पहले आर्मी को, आज से पहले क्या, हमेशा आर्मी को ना ज्यादातर हम देखते हैं कि जो एक बिजनेस के तौर पे, मतलब एक उसके नौकरी के तौर पर देखा जाता है। जबकि आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे ना, वहाँ आर्मी को एक नौकरी के तौर पर नहीं देखा जाता। आर्मी को एक नौकरी के तौर पे नहीं देखा जाता, आर्मी को देखा जाता है सिर्फ देश की सेवा के लिए। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आर्मी में जाओ। आज से पहले हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते होंगे, राजपूतों की हिस्ट्री, प्राइवेट एजेंसी की बात कर रहे हैं। आज से पहले आर्मी को धंधे के तौर पर, पैसे के तौर पर देखा जाता था। अग्निपथ स्कीम की वजह से ये चीजें जो है कुछ हद तक सही हो गई हैं। जो आज देश की सेवा सच में करना चाहता है वो अग्निवीर स्कीम ज्वाइन करे, वो एक अग्निवीर बने। अच्छा अच्छा, चार साल में नेशनल, एक साल भावना, एक नेशनलिज्म की भावना, और एक साल जब ट्रेनिंग करके जाएंगे, जब आपको आर्मी की ट्रेनिंग करने में आपको पता कितना अमूमन कितना टाइम, एक मैच्योर सैनिक बनने में कितना, 2 से 3 साल का लगता है। और आप साल साल में 6 महीने की ट्रेनिंग में वो जब तक बंदूक चलाना सीखेंगे, तब तक उनको आतंकवादियों के सामने खड़ी कर देंगे, सैनिकों के सामने जाके बॉर्डर पे खड़ा करवा देंगे। और अभी जैसे पंजाब में ये बोले कि हमला हुआ, भी एक अग्निवीर वहाँ शहीद हुआ, उसके ये गार्ड को कुछ भी नहीं मिला। कौन आ रहे ट्रेन से? बता रहे अधूरा ज्ञान, सुन लीजिए, सुनिए, अधूरा ज्ञान लेके ये जो बोल रहे हैं 6 महीना, सुनिए, अधूरा ज्ञान लेके ये जो बोल रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, ये गए थे क्या वहाँ देखने 6 महीने की ट्रेनिंग? सुनिए 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 पूरा बात सुनिए, हम आपको बता रहे, सुनिए सुनिए, मेरा भाई एयरफोर्स में है, ठीक, मेरा भाई एयरफोर्स में है, वो अंदर की खबर वो अच्छा बता पाएगा कि ये बता पाएगा? ये बताइए क्या बोले भाई? सुनो, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग पे उनको भेजा गया है, और ये 9 महीने का ट्रेनिंग होता है हर जगह। अभी आपने देखा, ठीक, हर अभी आपने देखा इसराइल और हमास का युद्ध, अग्निपथ से पहले भी 9 महीने का ट्रेनिंग होता था, अभी भी 9 महीने का ट्रेनिंग होता है। इसराइल और हमास के युद्ध में इसराइल के जो कॉमन सिटीजन है ना, उन्होंने भी आर्मी को ज्वाइन किया। अगर हमें लैक ऑफ नॉलेज रहेगा, हमें लैक ऑफ ट्रेनिंग रहेगी, 4 साल स्कीम के बाद हाँ वो बेशक घर जा सकते हैं, लेकिन युद्ध होने पर वो वापस आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी को जानते हैं, आर्मी को पढ़े हैं, आर्मी से जुड़े हैं, ठीक है, वो आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो वो जा सकते हैं। राष्ट्रवाद की भावना, जापान, जापान जैसे जो परिवारवादी है ना, वो राष्ट्रवादी कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? जापान जैसे से मतलब है, जापाते ना हो तो बातों को दूसरे तरीके से पेश कर दो, ठीक है। आपने रोजगार खत्म कर दिया, कोई मुद्दा नहीं, आप उसको लंबाई की वजह से छाट दिया पैकेज को बोलो उसके नहीं नहीं आप उसके आर्मी का, अगर आपको आर्मी के लोगों को ज्वाइन कराना था तो ज्यादा उनकी नौकरी निकालो, बल्टियां निकालो, बल्टी में ज्वाइन कराओ, वो नहीं किया। 4 साल की नौकरी है, स्कीम दे दिए, आप 4 साल में पैसा कमाओ निकल जाओ, आपको कोई फिर मतलब नहीं, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आप एक बात बताओ, आप देश के लिए वहां सेवा करने गए हो, आप अभी पंजाब के 2 सैनिक शहीद हुए अग्निवीर, उनके परिवार को कुछ नहीं मिला, 3-4 महीने केवल ज्वाइन किए ड्यूटी और उनकी डेट हो गई। अब वो किसकी गलती थी, उसमें किसका फॉल्ट था? सीधी सी बात, मोदी का, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग में किए थे। बताइए आप, मेन बात ये बोल रहे हैं, अग्निपथ योजना आपके हिसाब से सही है या क्या है, आप क्या सोचते हैं? अग्निपथ योजना सही है भैया, बिल्कुल सही है। जो वो शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं अग्निवीर को, वो नहीं, जो सुसाइड कर लिया था वो लड़का, उसको नहीं मिलेगा ना? नहीं नहीं, आर्मी किसी, भैया मेरे पापा ही आर्मी में है। सुनिए क्या है, अधूरा नॉलेज, आर्मी का अधूरा नॉलेज भरपूर है। अरे कोई बात, आर्मी का नियम है, अगर आप कमिट टू सुसाइड करिएगा या खुद को गोली मारिएगा तो आपको कोई दर्जा नहीं मिलेगा, आप मतलब कि आप बिल्कुल लूजर है, आगे आ जाइए और थोड़ा बिल्कुल आप लूजर है, इसलिए आप सुसाइड किए हैं। आपको ना पेंशन मिलेगा, जितना जो मतलब मिलता है मरने के बाद, वो दर्जा मिलता है कि आप बहुत वीर गति प्राप्त किए, वो सब कुछ नहीं मिलेगा, इनका यही था। अरे बाकी जो शहीद होते हैं स्कीम में, तो ये है ना कि शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा,
ये कहाँ है आपको दिया क्यों नहीं गया? अभी जो दूसरे फिर अग्निवीर किए थे वहाँ पे शहीद, उसको शहीद का दर्जा जम्मू कश्मीर वाला को कहा? पता नहीं भाई, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे ना, तभी तो बवाल ऐसी मचा हुआ है कि देखिए एक सुसाइड, सुनिए दो केस है, एक तो जो पंजाब वाले केस में ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया इसलिए हम नहीं देंगे, लेकिन दूसरे जो अग्निवीर शहीद हुए उनमें तो कह रहे हम शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे ना। कब का बात बता रही है? अभी 2 महीने के बाद, वो नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 महीने में अभी जो केस आया है 2-3 केस उसमें दर्जा देने से कह रहे कि हम अभी नहीं देंगे, इन फ्यूचर सोचेंगे, बट अभी सॉरी इसके बारे में नहीं पता। अब देखिए वही चीज होती है ना, देश के ऐसी अगर आप अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तरह से सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस सत्यवती कॉलेज में कभी टेरर अटैक हो गया, ठीक है, टीचर्स अगर हमारे टीचर्स जो हैं वो अगर ट्रेनिंग लिए होंगे अग्निवीर का, तो कम से कम उनको गन चलाने तो आ सकता है ना भैया। ट्रेनिंग लेना अलग बात है, 4 साल नौकरी करके फिर रिटर्न लाके और अगर शहीद होते हैं तो शहीद का दर्जा भी ना मिले। नहीं नहीं भाई, दर्जा देना जरूरी है, उसकी जो बॉडी है ना बॉडी नहीं देखी जाएगी, जब तक उसको दर्जा नहीं मिल जाएगा ना तब तक ये ऐसे ही रोते गाते रहेंगे। बात क्या है ना, एक शहीद को दर्जा देने की जरूरत नहीं है, वो भारत माता के लिए शहीद हो चुका है, अपने अंदर वो भावना जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आप उसको सम्मान तो देंगे, राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, यही तो बात है, राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, वही तो बात है, वही तो बोल ही रहे हम, यही इंग्लिश। अगर आप सत्यवती कॉलेज से पढ़े हैं पर आप तो पढ़े हैं, डिग्री ना दी जाए आपको तो चलेगा आपको? मैं बताता हूँ आज से पहले छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, एक मिनट, उन्होंने दिखा दिया, उनको तो पता नहीं कौन से बैच में, उनके बैचमेट कौन था, उनके टीचर कौन थे, ये तो नहीं पता। डीयू में इंटर इन पॉलिटिकल साइंस जबकि है भी नहीं, तब भी ऊपर के पास आउट हो गए, तो ये चाहते कि आर्मी भी ऐसे निकले, उनको शहीद का दर्जा ना दिया। और सबसे बड़ी बात, आज आपको शिक्षा की बात कर रहे, आज अभी हमने एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, कोटा में कोचिंग सेंटर के नीचे लड़कों को बीजेपी का पट्टा पहना रैली में भेजा जा रहा है, शिक्षा के टंड को बड़े प्यार से डुबाया जा रहा है। अच्छा वो तो सुनिए, वो तो एक अलग मुद्दा है, हम मुझे सरकार जो आएगी वो बता, ये भी चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कॉलेज के बाहर आकर अब मैं बीजेपी का पट्टा टांगू, मैं कांग्रेस का पट्टा टांगू, मैं किसी का पट्टा टांगू, ठीक है, सरकार उस पे तो एक्शन हो सकता है, उस पे एक्शन होता है, आप पहना नहीं सकते ना कुछ, लेकिन वही तो बात है ना, आप लड़कों को रैलियों में भिजवा रहे हैं, आप लड़कों को राजनीति करवाने, पढ़ाई के अलावा शिक्षा, वही मैं बोला हूँ ना, युवा ही तो आएंगे राजनीति में, युवा आएंगे राजनीति में, लेकिन पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग युवा वो राजनीति में आएंगे, 50 साल वाले पढ़ाई लिखाई वाले युवा कभी, पढ़ाई लिखाई की बात हमारे नेताजी कर रहे हैं, नेताजी को संस्कृत में कुछ श्लोक सुना दे, अगर इनका संस्कृत ऑनर्स है मैं समझ लूंगा ये पढ़े लिखे, एक बार आप सुना कांग्रेस पढ़े लिखे युवा पढ़े लिखे की बात हो रही है, संस्कृत ऑनर्स इनका कोर्स है, क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए सत्यवती महाविद्यालय में लो परसेंट में एडमिशन लिया? उन्होंने चाइना की बात की, अक्साई चीन पे आके बात करे तो बताएंगे वो चाइना ने, मत चेंज करो भाई, आए दो श्लोक सुना दो, सो कॉल्ड कांग्रेस कल्चर, अभी इंग्लिश पे एलर्जी वेस्ट करने का ये है, इनसे श्लोक में पता है, इनको नहीं पता होगा, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया संस्कृत दोनों से भाई आ रहे हैं, पॉलिटिकल की बातें करें तो गॉड नोज क्या जानते हो। बात ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एनसीईआरटी को जिस हिसाब से डेवलप किया गया है वो बड़ा मुझे खराब लगता है। आज हमें पता है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा आपका अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा आपका शाहजहां, शाहजहां का बेटा आपका औरंगजेब, ये हमें पता है। लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो उनके हेयर थे, एक एक चीज बताइए मुझे, अगर नहीं लेकिन भाई साहब, लेकिन नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे यार आप कह रहे हो राहुल, चाहे एक चीज मुझे बताइए, आपने पूरा कम्युनिस्ट सिलेबस ही डिजाइन किया, आपने जब सिलेबस डिजाइन करना हुआ, पूरी चीज सुनिए, अगर सुनिए, सिलेबस से अगर किसी को हटाया जाता है तो ये केंद्र सरकार या एनसीईआरटी डिसाइड करती है, लेकिन एनसीईआरटी को भारत शब्द और इंडिया शब्द से क्या प्रॉब्लम है? इतिहास से महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाए तो मुगलों को हटा दिया जाए, इससे क्या दिक्कत हो रही है? मुगल हमारा कल्चर, और अभी तो अभी आपने सही बोला, आप एक बात बताइए, अभी एक सिलेबस ऐड किया गया है अभी के डीयू में कि अब से ना रामायण महाभारत को पढ़ाया जाएगा, तो सुन तो लीजिए, वो एक अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन आप कल्चर में घुसे रहेंगे, फिर कहेंगे कि आप हमें बाबर को भी ऐड कर दो, कोई आ जाए, कोई कहे मुगल को ऐड कर दो, तो रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई जरूरी क्यों है ये बता। आप ये बात करते हैं, हमारे अंदर इस जितने भी यहाँ लोग हैं रामायण को महाभारत को पॉलिटिसाइज होकर देखते हैं,
कि जहाँ रामायण आ गई, जहाँ महाभारत आ गई, पॉलिटिक्स आ गई, बीजेपी आ गई। आप रामायण के बारे में जब पढ़ेंगे, भाई मैं खुद रामायण देखने गया था जब यहाँ पर मंचन होता था, भाई हम देखते थे। आज जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर मेरे को रामायण में जो मिला, राम जी नहीं थे, लक्ष्मण जी नहीं थे, रावण नहीं था, पता कौन था मेरा फेवरेट? मेरा भरत। 14 साल तक राजगद्दी पे नहीं बैठे। वैल्यूज, वैल्यूज, ये है रामायण, ये है महाभारत की वैल्यूज के बारे में। रामायण के अंदर बताया जा रहा है कि आपको क्या अच्छा करना है, महाभारत के अंदर बताया कि आपको नहीं करना है। अभी भाई ने बहुत तो वैल्यूज के बारे में, एक सीन। अब दूसरी बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम, जो मेरी बात, एक जो मैं कहना चाह रहा था उसके बारे में। भाई साहब, आज सिख समुदाय के अंदर वो भी आवाज़ उठा सकते हैं, बल्कि उठा नहीं रहे, उनको उठानी चाहिए। क्यों? एनसीईआरटी के अंदर उनके लिए, महाराजा रणजीत सिंह के लिए, जो सिख पंथ के जितने भी जो हिस्ट्री रही है, उसके लिए सिर्फ एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ। महाराजा रणजीत सिंह और सिख जितने भी थे, वो लोग होते थे जो फ्रंट वॉर पर पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया पर सबसे पहले लड़ते थे, सिंध एरिया में सबसे पहले लड़ते थे। अब आप एक बात बताइए, दूसरी चीज़, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ग्लोरीफाई तरीके से बताया जाता है, लेकिन जो मेरे को जो ग्रेट लीडर, ग्रेट किंग उसमें लगते हैं, वो पेशवा बाजीराव थे। उनके बारे में कितना, सिर्फ दो लाइन है, मैंने खुद पढ़ा है। आज गांधी के बारे में, आज मेरे को गांधी की रिलीजियस पर्सपेक्टिव के बारे में पता चला। हमें लगता था कि गांधी जो है बड़ा सेक्युलर इंसान, लेकिन लेकिन ये सब नॉट ए सेक्युलर पर्सन। नहीं सर, तो क्या क्या थे गांधी के बारे में? भाई साहब, अभी असाइनमेंट मरा, गांधी के बारे में लिखा हुआ था, गांधी की जो टेक्स्ट है उसके बारे में लिखा हुआ था कि गांधी जो थे वो हर पंथ में मानते तो थे, लेकिन वो कहते थे कि हर पंथ का एक अलग अपना एक तरीका है, अपना अलग सिस्टम है, उस सिस्टम की रिस्पेक्ट करो। लेकिन कैसा सिस्टम? जैसे देखिए, सेक्युलरिज्म की एक बेसिक मैं आपको पहले एक आउटग्रुप दे देता हूँ। आर्टिकल 25 के अंदर सेक्युलरिज्म देखा, तो प्रोफेस प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, प्रोफेस प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे कि भाई माई रिलीजन इज माई पर्सनल बिलीफ। और एक बात बताइए, आज एक बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि भाई ये जो धर्म है इसको हमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए। गांधी ने खुद लिखा था कि भाई पॉलिटिक्स एंड रिलीजन गोज हैंड इन हैंड। और फिर एक दो कॉन्सेप्ट का चीज़ आई थी, इंडियन सेक्युलरिज्म सिस्टम एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो हम सब ने पढ़ी है। तो ये चीज़ बोल देना, गांधी ने, अच्छा सुनिए, गांधी ने ये तो नहीं बोला था कि हिंदू मुस्लिम करके वोट ही लेना, गांधी ने ये तो नहीं बोला था कि भाई भाई को लड़ा के वोट लेना, गांधी ने ये नहीं बोला था कि रामायण महाभारत और लड़ा देना, ऐसा तो नहीं होता ना। और ये तो नहीं बोला था कि आप जब भी चुनाव आए तो विवादित बयान दे, ऐसा तो ऐसा करके तो ना करें। आपके बीजेपी के पता है कितने, बहुत सारे हैं तो नहीं कहूँगा, मतलब कुछ नेता हैं जो ऐसे अल्लड़पन जैसे बयान देते हैं, जिसको सोचकर आप भी सोचेंगे कि यार ये क्या बयान दे रहे हैं। आप टी राजा को जानते हैं, तमिलनाडु के टी राजा? वो क्या बोलते हैं? वो कभी कहते हैं कि किसी को धर से सर अलग हो, हम भगा देंगे मुसलमानों को पाकिस्तान। ओबीसी क्या कहता है? तो ओबीसी को करो आप, ओबीसी मतलब अगर वो करे तो आप करेंगे। हिंदू मुस्लिम, यही पूछ रहा हूँ, चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों? ओबीसी को, एक सेकंड, अगर ओबीसी को भी जेल में डाल दूं ना, मुझे पता है कि यहाँ पर नीरज राय कॉलेज का कपड़े फाड़ देगा, अपने फाड़ेगा, मैं लिखवा के देता हूँ, अभी लेके बैठ जाएगा, धरना लेके बैठ जाएंगे ये। मैं बताता हूँ, नहीं नहीं ओबीसी अपना तेलंगाना में चुनाव लड़ के, तेलंगाना में उसके क्यों 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जबकि पूरे देश भर में चुनाव लड़ा, क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी की वैल्यूज पढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम ओबीसी का नहीं, वो नहीं करते, वो कैसे करते हैं? ये बहुत बी टीम बन के बीजेपी का, वो कांग्रेस को चुनाव, आम आदमी पार्टी को बी टीम कहते थे, आज से पहले आम आदमी पार्टी को बी टीम कहते थे, आज ज्वाइन करा रहे हैं, आज से पहले नीतीश कुमार को बी टीम कहते थे, आज संगठन में बैठा जाते। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने इतनी गंदा बयान असेंबली में दिया है, आप उसका समर्थन कर रहे हो? आपने फिर ये एक अलग ही वर्ड आपने छेड़ दिया, आपकी गंदा बयान दिया नीतीश कुमार ने, सेक्स एजुकेशन के बारे में बोला, उसके कहने का लहजा गलत हो सकता है, लेकिन क्या सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए कि नहीं? सिलेबस में लाए आपने, सिलेबस में आपने, बिहार में आपने, मतलब में, मैं नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश तेजस्वी यादव जी की बात कर रहा हूँ, बिहार के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ भी लाया नहीं। आप असेंबली में होके एक गंदा बयान दे सकते हो, ठीक है, आप असेंबली में खड़े होके जिसमें पीछे महिला, आप वीडियो देखो, देखा मैंने, आप इतना गंदा बयान दे सकते हो, और ये कांग्रेस के नेता या कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस है, इंडिया नहीं कहूंगा मैं, आप कहाँ से? यूपी से? यूपी के गोरखपुर से हूँ।
मूलतः मैं बस्ती से हूँ, लेकिन बस्ती को जल्दी कोई जानता नहीं क्योंकि इनके कांग्रेस सरकार के समय में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बाबा बुलडोजर तो चेंज कर देंगे, बाबा बुलडोजर चेंज करेंगे और ये चीजें अब मुख्यालय में पहुंच चुकी हैं। बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर था, हरिगढ़ होगा, बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर था, गुरु वशिष्ठ की नगरी बस्ती कही जाती थी, आज उसे बस्ती कहते हैं। यूपी में तो अब क्राइम नहीं होगा, दिल्ली में मैं अगर किसी से कहता हूँ ना मैं बस्ती जिले से, वो कहते हैं आजादपुर बस्ती से। अभी चार पंडितों के परिवार को कानपुर में जला के जिंदा जला के मार दिया गया। अभी अमरोहा में एक बेटी को रेप करके, बेटी का रेप करके धरना, अगर बुलडोजर बाबा बोलते हैं अभी एड को गोली लग जाती है, अधिक अहमद को गोली लगे, कांग्रेस ने सीना पीट लिया वहाँ पे, अहमद को गोली लगने में कांग्रेस ने सीना पीट लिया, एक पंडित को कुछ होता, कितने बुलडोजर बाबा क्या कर रहे हैं, कितने अभी तो पंडित है, अतीक अहमद को चोट लगने पर, एक अतीक अहमद मत है जाने पर, एक अतीक अहमद को मारे जाने पर सारे कांग्रेसी सारे सेकुलर इनका बुलडोजर अपना सीना पीट लिए कि ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी ये वो, एक पंडित के मारे जाने पर कितने लोग घर गए, राहुल गांधी खुद ब्राह्मण है क्यों नहीं गए भाई, देखिए ये दिखावा है, धर्म की बात मतलब। अब यूपी तो चेंज होगा ना, यूपी तो चेंज होगा, यूपी चेंज होगा 7 बजे के बाद, यूपी के कुछ गांवों में 7 बजे के बाद जो छात्र हैं, जो लोग हैं वो 7 बजे के बाद गांव साइड नहीं जा पाते थे, इतनी वहां पे दादागिरी थी माफियाओं की। आज अब चेंज है ना, अब तो बुलडोजर बाबा हैं, सारा काम हो रहा है, क्राइम फ्री है। तो कहता हूँ कांग्रेस वालों पे विश्वास रखो बाबा, सब बदल देगा। जब तक हमारे देश में कांग्रेस है तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, ठीक है, जब तक राहुल गांधी संन्यास ना ले लें तब तक राहुल जी का चेहरा पनौती है, जैसे वो कह रहे हैं मोदी, जैसे वो मोदी जी को बोल रहे थे कि मोदी जी कांग्रेस वहां पर मैच देखने गए तो उनका वो ऐसा, मोदी जी मैच देखने हार गए, लेकिन वो खुद नहीं जान रहे कि 2 साल से तो कांग्रेस का फेस भी तो राहुल गांधी जी है, तो वो भी तो पनौती हुए कांग्रेस के लिए। बता देता हूँ ये राहुल गांधी, मैंने आपको पहले कहा है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ कॉमेडियन, ठीक है, ये आएंगे पार्लियामेंट में हंसी मजाक करेंगे, कमेटी तो मोदी कर जाए दुराज चौटे से, तो कर तो ठीक है, तेलंगाना इलेक्शन में टी राजा पे लोग नहीं ले पा रहे, कभी पार्टी के बाहर कभी पार्टी के अंदर ले लेते हैं, 2019 में हरा दिया तो कॉमेडी कर तो दी कॉमेडी कुल मिलाकर ये बताइए कि आप वो चीज़ जो है शब्दों पे तो बयानबाजी नेताओं का है, लेकिन आप छात्रों के बीच में मुद्दा क्या रहेगा? कुल मिलाकर बात ये है कि बयानबाजी का दौर नेताओं का मामला है, नेता बयानबाजी करेंगे चुनाव में, आएंगे जाएंगे, लेकिन छात्रों के बीच में मुद्दा मेन क्या क्या रहने वाला है, एक लाइन से एक एक वर्ड से सब आप बताइए कि क्या रहने वाला है मुद्दा, आप पहले बताना चाहेंगे क्या मुद्दा रहेगा? सर देखिए शिक्षा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, लाइन में बताइए क्या क्या मुद्दा रहेगा काउंट करके सीधे सीधे। देखिए शिक्षा है सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है, उसके बाद जो है रोजगार का एक मुद्दा है, ठीक है, तो ये दोनों जो हम देखते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं सर, मैं बिहार से आता हूँ पर्सनली सर, और यहाँ आता हूँ तो यहाँ सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सर, तो अच्छा अगर वैकेंसी निकलेगा सर तो हमें मतलब अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिलेगा सर, हम जो मेहनत करेंगे सर उसके बाद सर हम जॉब्स में जाएंगे सर, तो एजुकेशन सर जो है मेन रहेगा सर इसमें। बिहार में कहाँ से हैं आप? सर पूर्णिया जिले से। नितेश जी काम हम कर रहे हैं? नहीं कोई काम नहीं कर रहे, जंगल राज जाने वाले हैं, वो कहते हैं ना उधर नौकरी दे रहे हैं इतना नहीं, वो बस कागज पे हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर 1 लाख सर, बस वो बयानबाजी है सर, हवा है सर, कुछ नहीं है सर, बयान भी हो सकता है, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं सर, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज इसकी गोद में कल उसकी गोद में सर, अराजकता जो है ना सर पूरी तरह बिहार में है सर। ट्रेन से तो भर भर के लोग जा रहे हैं अपॉइंटमेंट से सर, भर भर के लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं सर काम करने के लिए, ईटा धोने के लिए सर, वहाँ खेतों में काम करने के लिए पंजाबी, शर्म की बात है सर। अच्छा मैं उस प्रदेश से हूँ सर, मुख्यमंत्री को शर्म आ ही नहीं रही है सर, शर्म बेशर्म हो गए हैं सर, पलटू भी जी पलटू है, तो उनके उनके भतीजे खुद उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा था ना चुनाव से पहले ही कहा था पलटू राम है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, ठीक है, जो एक पढ़ा लिखा छात्र है ना वो ये जानता है कि एक आदमी एक किसी कार्य में लगा हुआ है उसको उसकी सैलरी मिल रही है या उसे उसका पैसा मिल रहा है, वो एक एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं यूपी से बिहार जाके जॉब लेते हैं आप कह रहे हैं, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है और सभी को सरकारी नौकरी है, हम सरकार या कोई भी सरकार रहे कांग्रेस की सरकार रहे, क्या रहेगा रोजगार? मुद्दा जो इस बार छात्रों के लिए रहेगा वो चीज़ सबसे पहले रहेगी शिक्षा, जो कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ें बदलनी रहेगी, जो पुरानी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है जो हमारा कल्चर नहीं। मुद्दा रहेगा शिक्षा, रोजगार जो हमें मिल रहा है लेकिन रोजगार के अर्थ को बदल के, जैसे मोदी जी अभी नए स्टार्टअप स्कीम शुरू की है,
सरकारी नौकरी से हटा के, सरकारी नौकरी से हटा के एक आत्मनिर्भर छात्र, एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना है भारत को। तो सिर्फ सरकारी नौकरी और ये नौकरी का साधन नहीं होना चाहिए, नौकरियों की विभिन्न जो फील्ड्स हैं उसमें इंडिया के सभी छात्रों को ज्वाइन होना चाहिए। ये चीज़ें रहेंगी मुद्दे। क्या रहेगा मुद्दा पॉइंट बाई पॉइंट? एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बेसिक्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और जहाँ तक बात है बेसिक फीचर्स की, तो उसमें मैंने आपको इससे पहले पूरे इंटरव्यू में बताई दिया कि मैं क्या अपेक्षा कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम के चेंजेस में। दूसरी चीज़ है भाई साहब एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जो है जैसे भाई ने कहा डेफिनेशन क्या होती है एम्प्लॉयमेंट की। अभी भाई ग्रेजुएशन करे जाएंगे तो भाई बेरोजगार हो जाएंगे, अभी सोच के बैठे मोदी आके मेरे को रोजगार देंगे तो ऐसा होने से आपको हाथ, हाँ तो एक से अब भाई को खुद हाथ पैर तो चला नहीं पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करो। मोदी पर्सन इनके घर पर तो आएंगे नहीं कि भाई साहब आओ, मतलब रोजगार रोजगार होना चाहिए, लेकिन धर्म नहीं होगा। जो स्टार्टअप बेसिस पे जो कहा उस बेसिस पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, और ये दो चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि हाँ ये होना चाहिए। बाकी एक आखिरी में बस ये चीज़ बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा रखनी उतनी है जितनी आप मान लीजिए सत्यवती कॉलेज से बेटर एजुकेशन की, तो वो हटा दीजिए, लेकिन रोजगार एक ऐसी चीज़ है जो मिलनी चाहिए। वरना आज एक नीरज राय भाई, 2 करोड़ रोजगार तो मिला था मोदी जी आपके बोलते रहे मोदी जी, मोदी जी मेरे कब से हो गए? मैंने आपको स्टार्ट आपके मतलब आप छात्रों हम सबके हैं ना मोदी जी, स्टार्टिंग में आपसे देश के प्रधान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर बेस्ट जो है बेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ ये इंसान मेरे लिए अच्छा है तो उसमें आपको उस लैब स्लैब में आपको बेस्ट चूज करना है। आज मुझे राहुल गांधी और मोदी में मोदी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैं मोदी को वोट करूँगा। तो इसीलिए रोजगार के ऊपर जो हम बात करते हैं, आज नीरज भाई हमारे साथ अकेले हैं, रोजगार मैं मोदी से दरख्वास्त करता हूँ कि रोजगार दें। अभी नीरज भाई अकेले हैं, नीरज भाई जैसे और भी बहुत सारे युवक हैं जो भटके हुए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे करते हैं, जिनको कुछ पता वता है नहीं, संस्कृत में दोस्त लोग नहीं बना आप, लोग अंडभक्त बिर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार पर 40 हिसाब से 7-8 साल हो गया, 9 साल हो गया, तो 8-9 करोड़ रोजगार देना चाहिए। अब देखिए हमें नहीं करें कोई आपसे नौकरी आपके घर पे आके देगा, बट आप जो नौकरियों तो क्लियर करें। आप हर चीज में पेपर लीक करवा रहे हैं, आप हाई कोर्ट को हर चीज में हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं, आप पेपर नई बल्टियां निकाल नहीं रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने टीचरों की पोस्ट खाली है, कितनी बल्टियां निकाल दी इन्होंने। तो मुद्दा क्या रहेगा रोजगार, रोजगार और वैकेंसी निकाली हमें नहीं कर रहे। आप घर पे जाके, आप घर पे बिल्कुल हुआ, राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ, ये नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हुआ। बट आप मुद्दा मेन क्या रहेगा, शिक्षा रोजगार रहेगा और रोजगार और धर्म, ये भी नहीं कि घर तो स्वरोजगार भी रहेगा और स्वरोजगार को भी बढ़ावा दो और रोजगार को भी आप सीजन करो। और धर्म कोई कभी मुद्दा नहीं होता, धर्म तो हमारा मानना होता है, धर्म हम हिंदू धर्म के हैं, हम जो कोई मुस्लिम धर्म का मुस्लिम को माने, धर्म कोई मुद्दा नहीं होता। एजुकेशन रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो है, पूरे देश में जो सिविल वॉर चल रही है स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं वो रहेगा। बिजनेस कल्चर को भी लेके ही लोग काफ़ी कैजुअल है, जस्ट बिकॉज की स्टार्टअप कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ड्रॉप आउट कल्चर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इनके नेता के बयान देते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब सक्सेस रेट जो है स्टार्टअप के बहुत ज़्यादा है, बट इनके पास कोई डेटा नहीं है। इतने सारे स्टार्टअप आए दिन खुलते हैं बट उनमें से कितने प्रॉफिटेबल हैं, जैसे आप MBA चाय वाला देखो लॉस में, इनके ऐसे कई और स्टार्टअप्स हैं जो शार्क टैंक हो रहा है उसमें शार्क टैंक चल रहा है, उसमें इकलौती कंपनी है बोर्ड जो प्रॉफिट में चली, बाकी सब लॉस में चल रहे हैं। आप चाहे मामाअर्थ देख लो, चाहे कोई भी कंपनी उठा के देख लो, तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा इनके लिए। सबसे पहला तो बेसिक एजुकेशन रहेगा, क्योंकि जब बेसिक एजुकेशन रहेगी उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात की जा सकती है। जैसे कि आज के टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें हमारे कॉलेज में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स दिए गए हैं। मैंने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आयुर्वेदा लिया गया है, अभी तक मुझे उसका टीचर असाइन नहीं किया गया है, नेक्स्ट मंथ से मेरे पेपर हैं। और ये कहते हैं शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है, ऐसे लेवल बढ़ रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे महाविश्वविद्यालयों में ऐसे काम हो रहे हैं और आप कहते हैं शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है, जैसे कि जब मैं क्लासों में बैठता हूँ गर्मी के टाइम में, इतनी गर्मी होती है वहाँ बच्चा बैठ के पढ़ नहीं सकता है, तमीज़ से वाटर डिस्पेंसर काम नहीं करते हैं, बच्चा प्यासा रहता है कॉलेज के अंदर, उसे कैंटीन में जाके पानी पीना पड़ता है। आज के टाइम पानी की बोतल तक पे कैपिटलाइज किया जा रहा है और ये कह रहे हैं देश बढ़ रहा है। आज के टाइम में इंडिया 126 कंट्री है जो हैप्पीनेस इंडेक्स पे स्टैंड कर रहा है,
मतलब ये लेवल इतना लो हो गया है और लोग कह रहे हैं देश का आदमी खुश है, ये कैसे खुश है? एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि आने वाले सालों में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं है, प्लस 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 22 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जा चुके हैं, तो उनके लिए भी इतना कुछ किया नहीं गया है और आए दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। जैसे आप कुछ जैसा कि इन्होंने बात की डेवलपमेंट इंडेक्स की, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इंडिया से आगे स्टैंड कर, लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी देखी जाए तो कितनी गिरते जा रही है और इंडियन करेंसी क्या कहते हैं ग्रोथ कर रही है। अभी रिसेंटली अपने ने हमने क्या कहते हैं $4 trillion क्रॉस किया है, लेकिन HDI के अकॉर्डिंग क्या इंडिया 126 पे स्टैंड कर रहा है। जितने भी आप यूरोपियन कंट्रीज देखोगे उन सब में अभी सिविल वॉर स्टार्ट चल रही है, हर जगह चल रही है, वहाँ पे रिलीजन बेस पे लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन उनका HDI हाईएस्ट है। क्योंकि ये डिसाइड कर कौन रहा है? यूरोपियंस कर रहे हैं ना, कोई एशियन कंट्री करता है क्या इनमें पार्टिसिपेट ज़्यादा? क्या रहने वाला है सर मुद्दा? इन लोग जो रोजगार कर रहे हैं कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि 2000 रोजगार पर साल देंगे, ठीक, 2 करोड़, ठीक, तो ये मोदी जी की बस की बात नहीं है कि वो 2 करोड़ रोजगार पर साल दे सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है, हर एक राज्य का एक अपना अपना रोल है कि भैया हम 2 करोड़ रोजगार दें। मोदी जी अपने पॉकेट से लाके नहीं रख देंगे, भैया ये लो 2 करोड़ रोजगार ले लो। और ये लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यवती या दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर की कमी है। यही बात इस साल जब वाइस चांसलर से पूछा गया कि भैया आपके कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है, आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दिन रात सारे प्रिंसिपल कॉलेज के, हमारे भी सत्यवती महाविद्यालय मॉर्निंग और सांध के दोनों के विद्यालय के प्रिंसिपल लगे हुए हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टीचर का इंटरव्यू लेते हैं और हर विषय में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस्ट ला कर टीचर को दे। कितने दिन से लगे हुए हैं सर? लगभग 3-4 मंथ से कंटिन्यूसली इंटरव्यू हो रहा है। अभी भी आप जाइए हमारे कॉलेज में, आप प्रिंसिपल ऑफिस में आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि टीचर लोगों की भर्ती के लिए इंटरव्यू हो रहा है, ठीक। और इस बात पे हमारे वाइस चांसलर सर ने भी कहा था कि हाँ प्रिंसिपल लोग सारा काम छोड़कर, सब चीज़ छोड़कर पहले ये करें कि टीचरों की भर्ती करें क्योंकि वो ज़रूरत है। तो ये लोग ये ना बोले कि टीचर की कमी है, प्रोफेसर लगे हुए हैं कि टीचर आएँ। हम प्रोफेसर, आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है? मस्त, आप पढ़ रहे हैं, आपके कौन से किस सब्जेक्ट से? मैं इस कॉलेज का 3rd ईयर BCOM ऑनर्स का भी छात्र हूँ और मैं इस कॉलेज मॉर्निंग में 1st ईयर BA प्रोग्राम संस्कृत और हिस्ट्री का भी छात्र हूँ। तो मैं दोनों कोर्स कर रहा हूँ इस कॉलेज से और मेरे दोनों कोर्स में पढ़ाई हो रही है। मस्त है। अभी आपने सुना एक सब्जेक्ट जो कि आयुर्वेदा जोड़ा गया कि अभी हमें टीचर नहीं मिले, आज से पहले आप बताओ आयुर्वेद नाम का सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ाया जाता था? अगर अभी टीचर नहीं मिल रहे हैं तो आयुर्वेद हमें पढ़ाया कब गया? बचपन में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th आयुर्वेद पढ़ाया गया? 5th, 6th में अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो फिर MBBS और डॉक्टरेट की क्या जरूरत होगी? आयुर्वेद से बड़ा इलाज कौन सा दे सकता है? आयुर्वेद का इलाज में अलग से चैप्टर आपको एज पे पड़ेगा। अगर आप ऐड ऑन हो सकता है, कुछ सिलेबस होते हैं जिसमें ऐड ऑन किया जाता है। क्यों नहीं किया? BAC, SEC में क्यों नहीं? 10th, 11th, 12th में तो पढ़ा सकते थे। MBBS के पढ़ाई 9th में भी हो सकते थे। आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी इन्होंने बात किया ना, आयुर्वेद के टीचर नहीं मिल रहे हैं। आयुर्वेद टीचर्स हैं, आप खोज नहीं पा रहे हैं। आयुर्वेद इससे पहले जोड़ा था क्या सिलेबस में? कितने सारे आपके पास कैंडिडेट्स रहेंगे जो फाइल करेंगे? अभी जिन्हें पता है वही ज्वाइन कर पा रहा। दूसरी चीज जो अभी इन्होंने कहा स्टार्टअप्स को लेकर कि स्टार्टअप्स लॉस में चल रहे हैं, ठीक है, चलो स्टार्टअप्स लॉस में चल रहे हैं, इतने में एक कांग्रेसी बता दो, एक कांग्रेसी या एक भी कोई अन्य दल का नेता जो खाकी को सपोर्ट करता है, जो कि किसी इंडियन चीज को सपोर्ट करता है, एक भी आदमी नहीं है सपोर्ट। आज तो उन्होंने बोला था देश इंडिया से मेक इन इंडिया से पहले कहा था, यहाँ तो COVID-19 की वैक्सीन लगाने से मना कर दी कि ये तो लगाए तो अखिलेश यादव ने नहीं लगाया। अभी अभी तो सब लगा लेना, अखिलेश यादव ने नहीं लगाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी सर गुजरात में सर, किनकी बनी थी सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी सर। किस पार्टी से थे वो सर? होम मिनिस्टर थे हमारे देश के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
क्या सर उसपे? हाँ जी, उन्हें बनाया, उसका विरोध किसने किया सर? वो किस पार्टी के थे? नरेंद्र मोदी जी ने एक मिनट, कांग्रेस ने कहा इतनी बड़ी स्टैचू बनाने का क्या मतलब था? पैसा खर्चा हो गया सर, राम मंदिर बनने पर अस्पताल खोल देते। एक बात ठीक है, बयानबाजी का दौर नहीं करना है, बयानबाजी नहीं करना है। आप कुछ कहेंगे टॉपिक वाइज बताइए, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकता। आपको बताइए टॉपिक में बताइए कि मैं सर राम मंदिर पे बोला गया कि ये बना के क्यों बनाया गया या हॉस्पिटल बना देते, इन्होंने नहीं कहा। कांग्रेस के सवाल था सर कि उसके जगह हॉस्पिटल बना देते, उसके जगह स्कूल बना देते, ये कर देते, वो कर देते। क्या किसी गरीब के रोटी में, किसी गरीब के थाली में रोटी आया? जो नहीं था तो सर आया रोटी। आज देखिए सर, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर डिफरेंस बता रहे हैं सर। हम दोनों प्रदेश जो था सर 2014 से पहले एक दशक में सर हमें माना जाता था सर, आज उत्तर प्रदेश बिहार से इतना आगे निकल चुका है सर, हम उनके मतलब भाग भी नहीं है सर। भाई बात क्या सर है कि अब यूपी वाले जाके बिहार में नौकरी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आगे निकल गए। कौन ले रहा है सर बिहार में? बिहार वाले आके जॉब कर रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में। मेरा नहीं सर, जो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था ना कि हम जो टीचर की भर्ती दे रहे हैं तो हमारे राज्य में पूरे देश से लोग आके पढ़ा रहे हैं, तब ये हम कर रहे हैं। नहीं सर, बात ये नहीं होती है। पहले आप अपने यहाँ देखो कि आपके लोग को रोजगार दो, ये नहीं कि आप पूरे देश को बुला रहे हो। बिहार से एग्जांपल उठाता हूँ, मेरे खुद के 5 रेस्टोरेंट चलते हैं मेरे जिले में, ठीक है। बिहार से हैं आप? नहीं नहीं, यूपी में। यूपी में कहाँ? बस्ती। अच्छा, मैं 5 रेस्टोरेंट चलते हैं मेरे शहर में, सारे लेबर बिहार के हैं, एक भी बस्ती का नहीं है, एक भी किसी अन्य राज्य का नहीं है। वो तो प्रवासी यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में भी आते हैं पढ़ने। भैया बिहार में रोजगार क्या कहना? जैसे इन लोगों ने $4 trillion की बात की कि इंडिया सरपास कर चुका है, तो रियल टर्म्स या नॉमिनल टर्म्स पहले ये बता दे। दूसरा, इन लोगों ने वेस्ट से कंपैरिजन किया। वेस्ट में जो इकोनॉमिक्स है, जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, हर कंट्री का अपना एक मेजर होता है, वहाँ पे हाउसिंग फॉर एग्जांपल उसे ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, तो बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे बास्केट ऑफ गुड्स के बारे में पता हो, और $4 trillion इकोनॉमी अगर ये रियल और नॉमिनल टर्म्स में क्या है ये समझा दे तो फिर हम मान जाएं। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है, अनएजुकेटेड। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा, ये तो जीडीपी, ये सब मुद्दा रहेगा भी नहीं। आपको जीडीपी के बात और 4 trillion के बात राजनीति में तो दिखती नहीं है, ना रैली में दिखाई देगी। तो राजनीति में जो दिखता है वो बयानबाजी दौड़ता है, हमने ये काम किया। काम पे अगर चुनाव होता तो आज तक जितने मुद्दे लेके आए थे भाजपा ने अपना पूरा किया, और पूर्ण बहुमत से फिर इस बार भाजपा की सरकार आने जा रही है। आप भी देखना, हम भी देखेंगे पूर्ण बहुमत से 2024 नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं और ये सारे खड़े होकर स्वागत करेंगे। डूसू इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम हम एक सारी मारे थे, वो सारी हम यहाँ भी मारना चाहते हैं लास्ट में, ठीक। पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में जलवा कुछ खास नहीं होगा, जब तक शादी की सेनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। ये भी है कि इंडिया अलायंस जो है, जब दल से दल बनता है तो दलदल बनता है, और दलदल में ही कमल खिलता है, तो 2024 में फिर से कमल खिलने जा रहा है। बहुत सारे दल जुड़े हैं तो ये भी दलदल ही है। सर, जो आपका सवाल है ना, उसका सबसे बेहतरीन जवाब आप बोल रहे हो कि 2024 में मोदी आएंगे। 2024 में मोदी इसलिए आएंगे कि विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नहीं है ना जिसे वोट दिया जाए। मैं एज ए वोटर, ठीक, नॉमिनल वोटर, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं तो राहुल गांधी के फेस पे मैं वोट देने ही नहीं वाला, ठीक, अगर जब तक उनके सामने मोदी खड़े हैं। है कांग्रेस में दम तो अपने पार्टी से एक ऐसे छवि को लेकर आए कि जिनको वोट दिया जा सके, तो कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए कि वो ऐसे छवि लेकर आए कि जिन्हें लोग वोट दे, जिन्हें लोग जानते हों, जिन्हें लोग ये जानते हों कि वो अच्छे नेता हैं, न कि ये कि हाँ हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी कॉमेडियन है। तो छात्रों के बीच का मुद्दा देख रहे हैं कितने गरमाए हुआ है। कोई कह रहे हैं शिक्षा पे होगा, कोई कह रहे हैं बयानबाजी पे होगा, कोई राम मंदिर, तो कोई 3-4 million trillion इकोनॉमिक्स की बात होगी। लेकिन इस बीच में हमारे छात्रों के बीच में हमारे साथ एक भाई और भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या वो होगा, क्या आप क्या सोचते हैं 2024 में कौन आएगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ आ रहे हैं? राहुल गांधी नहीं आ रहे। तो मुद्दा आप किस पे वोट देंगे? मैं तो भाजपा को दिया है। दिया नहीं अभी, मतलब आने वाले समय में भाजपा को ही देंगे, भाजपा को ही देने का। रोजगार तो दे रहे हैं मोदी जी, मान रहे कुछ ना दे रहे, कबाड़े का काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस तो कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, तब भी तो कबाड़े बोल रहे हैं, कबाड़े का काम कर रहे हैं, तो और क्या, कबाड़े वाले में दे रहे। हाँ जी, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी, मोदी से खुश हैं? हाँ जी, काम दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल।
कबाड़ी में भी कर रहे हैं काम, तो चलता रहेगा कबाड़ी से चलता रहेगा, तभी खुश है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, देखिए एक नॉर्मल आदमी तो खुश है, हो सकता है विपक्ष ना खुश हो मोदी जी से। हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत सारी बातें निकल कर आएगी, अभी छात्रों से और भी कॉलेज के छात्रों से बातचीत होगी और हम आपको बताएंगे कि क्या मुद्दा रहने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात होता है, इसलिए हम आपके पास आते हैं कि छात्र जो मुद्दा उठाते हैं ना वो देश के हर कोने कोने तक पहुँचता है और इसी तरह से हम आपके कॉलेज तक भी पहुँचते हैं और हर एपिसोड में आपको छात्रों से मिलवाते हैं, बताते हैं कि तमाम मुद्दों में 2024 में किस पर चुनाव होगा।